तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहा हूँ एक कटिंग मशीन का। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। अगर आपको भी इसे ख़रीदना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ जाकर ख़रीद सकते हैं। तो फाइनली हमारा मेन बॉक्स बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जो कटिंग मशीन है वो जॉश कंपनी की तरफ से आता है। आप लोग देख सकते हैं कि पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, मतलब उतना खास नहीं है। तो अब हम बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें जो मिलता है फर्स्ट, वो है एक कटिंग मशीन। तो सेकंड जो चीज़ हमें मिलता है, कुछ कीज़ वगैरह और कुछ पाइप। और थर्ड चीज़ हमें मिलता है एक मैनुअल बुक। तो हमें इस मशीन के साथ मिलता है एक पाइप, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टाइल्स काटते वक्त पानी देने के लिए। इसके बाद जो चीज़ है ये मुझे ठीक से पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हमें दो की मिलता है इसके साथ, तो आप इसके ज़रिए जो ब्लेड है उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक बार मैं चारों साइड से दिखा देता हूँ। अगर बात करा जाए इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से। इसका जो हैंडल है वो टोटली प्लास्टिक बिल्ड है। तो ये जो क्लिप है ये एक लॉक की तरह काम करता है। आप इस प्लेट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका वेट है लगभग 2 से 2.5 किलो के आसपास।
तो अब हम करते हैं इसका टेस्टिंग। आपको ये दो की मदद से इसे खोलना है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये एक ही प्लेट है तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा कितनी आसानी से इस लकड़ी के टुकड़े को इसने काट दिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।